तिरवा कोतवाली इलाके में रहने वाली पीड़ित महिला का उसके पति के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा था। महिला की माने तो एक साल पूर्व आरोपी अताय वारसी उर्फ बल्लू वारसी ने मुकदमे के सिलसिले में तिरवा इलाके स्थित राजा साहेब की कोठी में बुलाया, जहां आरोपी ने धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसको बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो खींच ली। जब महिला को होश आया तो उसको लगा कि उसके साथ आरोपी अताय वारसी ने कुछ गलत किया है। इसकी शिकायत करने पर आरोपी ने उस पर तमंचा रख उसको धमकी दी। फिर आरोपी अताय वारसी महिला की वीडियो व अश्लील फोटो दिखाकर उसको एक साल तक ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी अताय वारसी का सपा सरकार में अच्छा रसूख था और तिरवा के राजा का उन पर हाथ था, जिसके चलते पीड़ित महिला की सपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला आरोपी अताय वारसी द्वारा दिए जा रहे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना झेलती रही, लेकिन सरकार बदलते ही पीड़ित महिला को योगी सरकार से न्याय की उम्मीद जागी है। जो पुलिस कभी पीड़ित महिला का दर्द नहीं सुनना चाहती थी, उसी पुलिस के आला अधिकारियों ने महिला की पीड़ा समझकर मुकदमा लिखने के आदेश दिए हैं। अब पीड़ित महिला ने जब आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है तो उसके परिवार के लोगों को अब हत्या का डर सताने लगा है। पीड़ित महिला की माने तो मुकदमा लिखने के डर से आरोपी ने धोखे से उसका आधार कार्ड बनवा कर उसमें खुद को उसका पति दर्शा दिया और फिर आरोपी महिला से कहने लगा कि वह उससे निकाह कर उसका व उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा देगा। जब महिला ने इस पर इनकार किया तो उसने उसका अश्लील वीडियो व फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कराने की धमकी देने लगा। मामले में राजनीतिक भी शुरू हो गई है। पीड़ित महिला व उसके परिवार ने योगी सरकार से न्याय मांगा तो भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हमें वैसे कोई डर नहीं, जब से ये हमने जाना है तब से ये धमकी दे रहे हैं, तेरी माँ को मार देंगे, सभी को मार देंगे, तो हमने हम लोगों को मार दो, अब जो कुछ हो सपना ले जाओ, हमें कुछ नहीं, हम लोग लेकिन बस हाँ, इसीलिए तो अभी तक तो किए ही नहीं सपा, जब अभी नहीं कुछ हो रहा सपा सरकार में क्या होता, तब तक गम खाए बैठे रहे, देखो फिर वो क्या करते हैं, कौन सी सरकार बनती है, अब सरकार बनी अब उनकी शरण में आए हैं, अब देखो क्या होता है। लग रहा है कि योगी से कुछ उम्मीद है? हाँ बिल्कुल है, योगी से है, जितने नेता है उनसे है, हमारे परिवार से है, जो कुछ न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। हमने फिजिकली और मेंटली हरेशमेंट की शिकायत की हुई है पुलिस में। मेरे साथ एक साल से एक व्यक्ति है जिसका नाम है बल्लू वारसी और फताय वारसी, और मेरा फिजिकली और मेंटली हरेशमेंट कर रहा है। एक फर्स्ट टाइम में उसने मुझे मेरे हस्बैंड से केस फाइल्ड है डिवोर्स का, उसकी बात करने के लिए मुझे बुलाया राजा तिरवा की कोठी में कि मुझे आपसे केस के सिलसिले में बात करनी है। और जब मैं वहाँ गई तो उसने मुझे, जैसे ही अंदर गई उसने मुझे कुछ ऐसा नशीला पदार्थ कुछ भी सुंघा दिया जो कि मुझे होश नहीं था। मैंने जब बाद में अपने को होश में देखा वहाँ पर तो मुझे ये पता चला कि इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। मतलब तो उस बात को मैंने कहा कि अगर आपने मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए बुलाया तो ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ में, तो कहने लगे, हमने कहा कि हम जाएंगे शिकायत करेंगे आपकी अधिकारियों से इस बात को लेके, तो मेरी कनपट्टी पर तमंचा लगा दिया और बोले कि अगर तूने ये शिकायत की जाके तो जो मैंने तेरी वीडियो क्लिप और फोटो खींची हैं ये सोशल मीडिया पर डाल देंगे। इसी बात को लेकर ये मेरा हमेशा, मतलब हमें जहाँ चाहते वहाँ बुलाते और मेरे साथ ये मतलब काम करते और मुझे मुझे ब्लैकमेल करते। जब इन्होंने मेरा एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया जिसमें मुझे अपनी पत्नी दर्शाया है कि मतलब अताय वारसी, रीमा वारसी वाइफ ऑफ अताय वारसी, इसको भी दिखाया और पूरे तिरवा में ये फैला दिया कि मैंने इनसे कोर्ट मैरिज कर दी है। इन्होंने समाज में मेरी स्थिति बहुत ख़राब कर रखी है और मैं बहुत
जी बहुत दबंग आदमी है। क्या करते हैं? हाँ ये जी 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 सपा के करीबी हैं और राजा साहब के यहाँ बाजार के ठेकेदार भी हैं। उनका सारा कुछ बड़े राजा जो हैं राजा दिग्विजय सिंह उनका सारा कारोबार वही ज़्यादातर। हाँ जी धमकियाँ भी मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आप अपना बयान बदल लीजिए और जब हम वापस आएंगे तो हम इससे ज़्यादा भी बुरा कर सकते हैं। हाँ जी ये कह रहे हैं कि मतलब जब मैंने ये पूछा उस आधार कार्ड की वजह से कि आपने ऐसा क्यों किया तो बोला कि मुझे मतलब जब मैंने ये कहा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में मैं बहुत परेशान हो गई तो बोले कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ और मैं तुम्हारी बेटी को भी मुस्लिम बनाऊंगा और तुम्हें भी ये धर्म स्वीकार करना इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी चाहिए। जी हमने मना कर दिया। उसके बाद में भी वो मुझे वही चीज़ को ब्लैकमेल करते और सोशल मीडिया पे डालने के लिए बोलते हैं या धमकी ये दे रहे हैं कि अपना बयान बदल लीजिए। हाँ नहीं तो मतलब तुम्हारे साथ कुछ भी। और बाद में ये कि हम अब वापस आएंगे तो और ज़्यादा दुश्मनी होगी अधकुचले सांप की तरह मेरी स्थिति होगी तो अच्छा नहीं होगा कि अभी तुम ये कर। जी हमने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हमने बहुत बार ये कोशिश की कि हम आत्महत्या कर लें कई बार ये सोचा लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। हम हाँ हाँ ये बोला था कि ज़्यादा तुम मेरा क्या कर सकती हो अगर सुसाइड नोट लिख के जाओगी तो ज़्यादा तुम मेरा क्या कर सकती हो 10 लाख रुपए का नुकसान करोगी इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं कर सकती और बहुत मतलब अभद्र गालियाँ भी देते थे। जी बिल्कुल डर सताता है हमें घर से निकलने में दिक्कत होती है गलियों में हमारे आदमी घूमते हैं गाड़ियां आती हैं हमारे पीछे हम कहीं जा नहीं सकते। हमारे घर में सिर्फ हम 4 लोग हैं मेरी माँ मेरी सिस्टर मैं और मेरी एक 11 साल की बच्ची जो हम लोग बहुत दहशत में हैं। बिल्कुल करा सकते हैं सर ये हमें लग रहा है कि हमारे साथ कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं क्योंकि जब ये हमें धमकियाँ दे रहे हैं इस टाइप से तो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ में। हमारा कोई मतलब सपोर्ट नहीं है यहाँ पे वो बहुत दबंग लोग हैं यहाँ पे उनका मतलब हमारा हिंदू लोगों में भी बहुत से ब्राह्मण लोग हैं वो भी उनके साथ में हैं और कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई बोल नहीं सकता है गवाही तक नहीं। पुलिस ने अभी तक 4 दिन से दौड़ाया है हमको और मेडिकल करा रही है यही सब है FIR किया अभी गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। जी बिल्कुल डर है हमें अपनी जान को खतरा है। ये थाना तिरवा अंतर्गत जो है एक महिला द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो यौन उत्पीड़न करने और के संबंध जिस संबंध में जो है पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करे इस संबंध में जो है विवेचना की जा रही है। ये महिला ने यौन उत्पीड़न संबंधी आरोप लगाए हैं जिस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जो अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई के जो प्रक्रिया है उसका तहत जो है विवेचना शुरू कर दी। गिरफ्तार में कुछ भी है उसमें प्रक्रिया के अलावा जो है हमारी टीमें जो है गिरफ्तारी के लिए भी जो है प्रयासरत हैं और जल्दी जो है इस संबंध में जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार। कोतवाली तिरवा का एक मामला सामने आया है इस महिला के ऊपर जो है इसका पहले उत्पीड़न किया गया इसका मानसिक उत्पीड़न शारीरिक उत्पीड़न और उसके बाद अब इसके ऊपर धर्म परिवर्तन का भी इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तिरवा थाने में भी इसको सही न्याय अभी तक मिला नहीं है और मैं समझता हूँ कि यहाँ इसको थाने से न्याय नहीं मिलेगा जिले से न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी इसको न्याय दिलाने के लिए सरकार तक जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और यह हम लोगों ने तय किया है।